ट्रेंड्स एसोसिएशन और श्री बालाजी इवेंट्स के संयुक्त प्रयास में मेरठ प्रतापपुर बाईपास स्थित बिग बाइट रेस्टोरेंट में 3 दिवसीय नेशनल गेम एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। मेरठ में एक बड़ा ही विशाल एक ज्वेलरी एग्जीबिशन यहाँ पर आयोजित किया गया है और जो इसके जिसका क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है बालाजी इवेंट्स के डायरेक्टर पवन जी को। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर इनके ने क्या डिसाइड किया, क्या इनके मन में आया जो इतना बड़ा एग्जीबिशन मेरठ में इन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ पवन जी, कैसा विचार आया कि मेरठ में कितना बड़ा साल एग्जीबिशन आया? सर, आज इंडिया के सारे बड़े शहरों में ज्वेलरी एग्जीबिशन होती है, मेरठ में कोई एग्जीबिशन नहीं होती, तो हमने विचार किया कि मेरठ जो कि ज्वेलरी के इंडस्ट्री में इतना मशहूर और यहाँ की जो कारीगरी है, यहाँ की ज्वेलरी है इतना मशहूर है, इसे एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम एक मेरठ में शो करें, वो भी शो एक ऐसा करें, यूनिक शो करें कि सारे एग्जीबिटर्स यहीं से ही हो। हमने इसमें सारे एग्जीबिटर्स मेरठ से ही लिया है, इसमें बाहर से कोई भी नहीं है। और गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, एंटीक, कुंदन, मीना, सारे जो एग्जीबिटर्स हैं अपने बेहतरीन कलेक्शन यहाँ वो दिखा रहे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ इतने सारे ज्वेलर्स एक कड़ी में आपने कैसे पिरोया, कैसे मैनेज किया है? सबसे हमारी लगातार मीटिंगें होती रही, हमने सबसे मिला, सबको हमने प्रपोजल दिया कि हम ऐसे करेंगे और लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हमें, शुरू से ही हमें प्रोत्साहन दिया और उन सबके सहयोग से ये आयोजन सफल हुआ है। बहुत रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है, जो एग्जीबिटर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो बहुत प्रोत्साहित हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और वो पुनः हमें दोबारा और बड़े लेवल पर करने के लिए हमें कह रहे हैं। सर,